नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। हरियाणा में भाजपा ने मिशन 2024 के तहत पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के कुनबे को लेकर अपनी सियासत शुरू कर दी है। इनेलो और जजपा को पटकनी देने के लिए कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला और भतीजे आदित्य चौटाला का कद बढ़ा रही है। इसकी शुरुआत अमित शाह की सिरसा में हुई रैली से हुई। यहाँ निर्दलीय विधायक रंजीत चौटाला को तवज्जो दी गई है। इसके साथ ही उनके भतीजे हरियाणा कृषि मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य चौटाला को नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का सीनियर वाइस चेयरमैन बनाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। प्रदेश में इनेलो और जजपा चौधरी देवीलाल के नाम पर राजनीति कर रही है। भाजपा ने इन दोनों नेताओं के कद बढ़ाकर तेवर दिखाने वाली गठबंधन सहयोगी जजपा और इनेलो को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि चौधरी देवीलाल की विरासत के दो उत्तराधिकारी भाजपा में भी हैं। 18 जून को सिरसा में मंच पर शाह ने निर्दलीय विधायक रंजीत चौटाला को बुलवाया। गृह मंत्री ने रैली खत्म होने के बाद उनके निवास पर जाकर चाय भी पी। शाह ने अपने संबोधन में चौधरी देवीलाल का नाम लिया। रैली खत्म होने के 3 दिन बाद ही आदित्य चौटाला को नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का सीनियर वाइस चेयरमैन बनाया गया है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।